तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने दावा किया है कि चीफ सेलेक्टर की पोस्ट के लिए पीसीबी से बातचीत जारी है। एक इंटरव्यू में चीफ सेलेक्टर बनाए जाने के सवाल पर शोएब अख्तर ने कहा कि मैं इसकी तरदीद नहीं करूंगा, मेरी बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, तहम अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं एक आरामदायक जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्रिकेट भी अपनी शरायत पर खेली। मैं पाकिस्तान के लिए जारह मिजाज और बेखौफ अंदाज में खेलने वाले क्रिकेटर्स का पोल तैयार करना चाहता हूँ। इसके लिए आराम छोड़कर आज से खेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे या नौकरी की लालच नहीं, इस काम में किसी की तरफ से तजवीज आई तो सुनूंगा, मतलूबा नतीजे के लिए अपनी जिम्मेदारी को वक्त भी दूंगा। साबिक स्पीड स्टार ने अपने प्लान से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कोशिश होगी कि 15 क्रिकेटर्स तैयार करूं जिन्हें ब्रांड और स्टार कहा जा सके। उनका माइंडसेट जावेद मेहदाद, वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद जैसा हो, जो खुद को महफूज ख्याल करें और अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। मिसबाह उल हक को भी मेरा मशवरा है कि अपना माइंडसेट तब्दील करें, टीम में मजीद दो या तीन हैदर अली जैसे बैट्समैनों को खेलने का मौका फराहम करें। दूसरी जानिब शोएब अख्तर से चीफ सेलेक्टर के पोस्ट के लिए बातचीत के बारे में सवाल पर पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी ने कहा कि इस हवाले से कोई पेशरफ मेरे इलम में नहीं है। तो भैया ये थी शोएब अख्तर के हवाले से कुछ अपडेट्स। क्या आप शोएब अख्तर को चीफ सेलेक्टर देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। शुक्रिया।